नमस्कार दोस्तों, माननीय वित्त मंत्री महोदय की ओर से बजट 2022 में ये घोषणा की गई थी कि हम असेसीज एट लार्ज को अपडेटेड रिटर्न भरने की एक फैसिलिटी या एक ऑप्शन देंगे। इसी अपडेटेड रिटर्न का एब्रीविएटेड फॉर्म बना ITRU। तो क्या ITRU इज अ काइंड ऑफ डोनट टू द असेसी, यानी इट्स अ काइंड ऑफ ट्रीट टू द असेसी और नॉट? और इसी ITRU से जुड़े बहुत से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनका आंसर असेसीज करदाता जानना चाहते हैं, और उन्हीं प्रश्नों के उत्तर के रूप में आज की वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। दोस्तों, सबसे पहले कवरेज के रूप में क्या क्या क्वेश्चन हम स्पेसिफिकली इस वीडियो से कवर करेंगे, प्रेजेंट प्रोसेस ऑफ ITR फाइलिंग क्या है, पर्पज ऑफ ITRU कॉन्सेप्ट, ये जो ITRU का कॉन्सेप्ट आया है इसका पर्पज गवर्नमेंट की नजर में क्या है, या हम एज एन असेसी इस पर्पज को कैसे समझें, व्हाट इज ITRU, बेसिकली ITRU है क्या या कैसी दिखती है, इस पर भी एक छोटी सी चर्चा आपसे करूंगा। हु मे फाइल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ITRU कौन असेसी फाइल कर सकता है, When ITRU can be filed, किस परिस्थिति में आप ITRU फाइल कर सकते हैं। तो ऐसे भी क्वेश्चन होंगे कि किस परिस्थितियों में हम ITRU फाइल नहीं कर सकते, एंड हाउ मेनी टाइम्स ITRU may be filed by an assessee, एक व्यक्ति कितनी बार ITRU फाइल कर सकता है। अगर आप ITRU फाइल करना चाहते हैं तो इसको कैसे फाइल करना है, अप टू वट टाइम लिमिट ITRU may be filed, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टाइम ऑफ टैक्स पेमेंट फॉर ITRU, आप यदि अपडेटेड रिटर्न भरने जा रहे हैं तो आपको कब टैक्स पे करना है, जब गवर्नमेंट आपके ITRU को एक्सेप्ट कर लेगी या ITRU भरने से पहले, इसका भी उत्तर हम देखेंगे। एंड लास्टली, हाउ मच एडिशनल टैक्स विल बी पेएबल एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ITRU, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनका एक एक करके उत्तर मैं आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं। दोस्तों, आपके सामने भूमिका के रूप में पहले ये बात रखता हूं कि ITR फाइलिंग की प्रेजेंट प्रोसेस क्या है। मैं अगर एक इंडिविजुअल असेसी की बात करूं, और इंडिविजुअल असेसी के लिए मान लीजिए मैं असेसमेंट ईयर 2022-23 की बात करता हूं कि असेसमेंट ईयर 22-23 की कोई व्यक्ति रिटर्न भरना चाहता है, 22-23 की रिटर्न अभी हम भरना शुरू होंगे, मोस्ट प्रोबेबली से मई जून में ये रिटर्न भरना शुरू हो जाएंगे। अब 22-23 की रिटर्न अगर कोई भरना चाहता है तो इसका वित्त वर्ष खत्म हुआ सर 31 मार्च 2022 के बाद एक नॉर्मल इंडिविजुअल एसएससी जिसके ऊपर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है, उसके लिए फर्स्ट डेट ऑफ ITR फाइलिंग दोस्तों होगी 31 जुलाई 2022। मान लीजिए वो सज्जन 31 जुलाई 2022 तक अपनी रेगुलर रिटर्न जो एक नॉर्मली उन्हें भरनी थी नहीं भर पाए, तो लॉ उन्हें लास्ट डेट देगा 31 दिसंबर 2022। यानी प्रैक्टिकली किसी भी असेसी को रिटर्न भरने के लिए नॉन टैक्स ऑडिट केस में, नॉन ऑडिट केस में मैक्सिमम 9 महीने का टाइम लिमिट मिलता है। अब कई बार ऐसा होता है कि हम नॉर्मल ड्यू डेट तक या एक्सटेंडेड ड्यू डेट, जिसको मैं बोलूं बिलेटेड रिटर्न की टाइम लिमिट तक रिटर्न नहीं भर पाए, और हमें लगता है बाद में हमें रिटर्न भरना है, लेकिन तब रिटर्न भरने की विंडो क्लोज हो चुकी, यानी CPC ऑनलाइन रिटर्न भरने की फैसिलिटी तब हमें नहीं दे रहा, तो गवर्नमेंट बोली ओके नाउ वी विल गिव यू अ कॉन्सेप्ट ऑफ ITRU, यानी आप अपडेटेड रिटर्न अब अपनी भर सकते हैं प्रोवाइडेड आप कुछ एक्स्ट्रा टैक्स देने के लिए तैयार हो। यानी गवर्नमेंट यहां पर एक तरीके से असेसी को कह रही है कि आपकी ड्यू डेट तो अब निकल चुकी, बिलेटेड रिटर्न की भी, रेगुलर रिटर्न की भी, पर हम आपको फिर भी रिटर्न भरने की फैसिलिटी दे रहे हैं अगर आप एक्स्ट्रा टैक्स देने के लिए तैयार हैं। तो प्रेजेंट प्रोसेस में जो चेंज है सर वो क्या है कि प्रेजेंट प्रोसेस केवल बात करती है नॉर्मल ड्यू डेट की या बिलेटेड रिटर्न की डेट की, और इसके बाद रिटर्न भरने का कोई ऑप्शन नहीं रहता असेसी के पास, चाहे वो और एक्स्ट्रा टैक्स देने के लिए तैयार क्यों ना हो। लेकिन ये जो नई प्रक्रिया है सर, ये नई प्रक्रिया असेसी को एक एक्स्ट्रा टाइम लिमिट देगी रिटर्न भरने के लिए, प्रोवाइडेड वो एडिशनल टैक्स पे करने को तैयार। ये एडिशनल टैक्स क्या होगा, कितना होगा, कैसे पे करना है, इस पर चर्चा मैं आपसे आगे करता हूं। अब एक क्वेश्चन आया कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ ITRU कॉन्सेप्ट। तो आप मेरे पिछले डिस्कशन से ये तो समझे कि अनूप जी ओके एक नॉर्मल टाइम लिमिट निकल गई, हम रिटर्न नहीं भर पाए, या हमने रिटर्न भरी पर उस रिटर्न में हमसे कुछ गलतियां रह गई,
तो अब हमें क्यों ना अपनी गलती को सुधारने का मौका दिया जाए, क्योंकि प्रेजेंटली सर आप अपनी गलती अगर बिलेट रिटर्न की टाइम लिमिट भी निकल गई, रिवाइज रिटर्न की टाइम लिमिट भी निकल गई, तो आप अपनी गलती सुधार नहीं सकते और डिपार्टमेंट ने फिर आपका असेसमेंट खोला तो आपको डिपार्टमेंट पेनल्टी लगाएगा अंडर सेक्शन 270A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, जो 50% ऑफ टैक्स भी हो सकती है और 200% ऑफ टैक्स भी हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन वेदर इट इज अंडर रिपोर्टिंग और मिस रिपोर्टिंग। अब इस पेनल्टी से बचना है सर, तो गवर्नमेंट कह रही है कि ओके टू प्रोवाइड मोर टाइम टू द एसएससी टू फाइल आईटीआर वी हैव ब्रॉट इन दिस कॉन्सेप्ट, वी वांट टू मोटिवेट द टैक्स पेयर टुवर्ड्स द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ वॉलंटरी टैक्स कंप्लायंस स्टार्टिंग विद फाइलिंग ऑफ करेक्ट टैक्स रिटर्न, यानी आप स्वयं अपनी करेक्ट टैक्स रिटर्न भरें, वॉलंटरी टैक्स कंप्लायंस करें, इसलिए हम आईटीआर यू का कॉन्सेप्ट ला रहे हैं। We want to ensure additional revenue realization and facilitating ease of compliance to the taxpayer in a litigation-free environment. सरकार जनता जनार्दन को, हालांकि इसके पीछे उद्देश्य additional revenue realization भी है, लेकिन government ये कह रही है कि ओके हम आपको litigation-free environment दे रहे हैं। मान लीजिए एक normal समय अवधि निकलने के बाद आपको लगता है कि साहब मेरे से कर चोरी हो गई या गलती से मुझसे tax short paid हुआ और अब मेरे रात की नींद हराम है, मुझे लगता है कि साहब मेरे लिए परेशानी है, इट वुड हैव बीन बेटर आई शुड हैव पेड टैक्स, तो गवर्नमेंट कह रही है कि ओके वी आर गिव यू अ विंडो ऑफ आईटीआरयू इन विच यू कैन पे टैक्स एंड इंटरेस्ट एंड एडिशनल टैक्स, दिस इज हाउ दे आर ट्राइंग टू गिव यू अ रिलीफ बाय वे ऑफ कलेक्टिंग एक्स्ट्रा टैक्स फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब एक टेक्निकल डिस्कशन आपके साथ करता हूं, जैसा कि आपको पता है मेरी आदत के सर मैं सीधे एक्ट बेस्ड होकर के बात करने में रुचि रखता हूं, तो व्हाट इज आईटीआरयू यदि कोई मुझसे पूछेगा तो मैं उसे कहूंगा कि भैया आप एक बार सेक्शन 139 सबसेक्शन 8A पढ़ें जो फिनेंस एक्ट 2022 से इंसर्ट हो रहा है। ये 139 सबसेक्शन 8A क्या बोलता है सर, एनी पर्सन, मैं थोड़ा सा धीरे पढ़ूंगा ताकि आपको एक एक बात समझ में आए, एनी पर्सन यानी कोई भी व्यक्ति ITRU updated ITR भर सकता है, whether or not he has furnished a return under subsection 1, 4 or 5 for any assessment year, यानी उस व्यक्ति ने एक regular return भरी थी, billet return भरी थी, revised return भरी थी या नहीं भरी थी, यानी आपको इस question का भी answer मिलता है इस reading से कि चाहे आपने पहले ITR भरी है या नहीं भरी, दोनों ही सूरत में, और चाहे आपने पहले revised return भरी हो या ना भरी हो, दोनों ही सूरत में आपको अपडेटेड रिटर्न भरने का एक फैसिलिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहां देगी। हियर इन रेफर टू एज द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर मे फर्निश, मे फर्निश से मतलब क्या है सर कि ये असेसी की कॉल है कि वो अपडेटेड रिटर्न भरे या ना भरे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसे नहीं कहेगा कि आप आईटीआर अपडेटेड आईटीआर भरे, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से दोस्तों इन दिनों एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट के रूप में, टैक्स इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट के रूप में, या आपने कोई रिटर्न भरी तो उसमें उन्हें प्राइमा फेसा एडजस्टमेंट लग रहा है उसके रूप में कुछ इंटीमेशंस आती हैं या स्टेटमेंट मिलते हैं। ये स्टेटमेंट जब मिलते हैं और पर्टिकुलरली आईटीआर भरने के बाद में या आईटीआर नहीं भरी और मेरी बाद में इन स्टेटमेंट पर नजर गई तो हो सकता है मुझे लग रहा है कि साहब मुझे बेटर रिटर्न भर देनी चाहिए थी, तो मैं आईटीआर यू यानी अपडेटेड आईटीआर भरने के लिए प्रेरित हूँगा। मे फर्निश एन अपडेटेड रिटर्न of his income or the income of any other person in respect of which he is assessable under this act. इस बात को भी मैं समझाता हूँ सर, ये मान लीजिए एक्स पर्सन का देहांत हो गया और उनके देहांत के बाद वाई जो कि उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उन्हें लगता है कि एक्स पर्सन की एक टाइम लिमिट में रिटर्न भरनी थी पर वो रिटर्न नहीं भर पाए जबकि कुछ टैक्स पेबल था एक्स की ओर से, तो मिस्टर वाई अगर नॉर्मल टाइम लिमिट निकल गई 139(1) की या 139(4) बी लेटेड की और उसके बाद मिस्टर एक्स के बिहाफ पे एक अपडेटेड आईटीआर भरना चाहते हैं तो वो भी अपडेटेड रिटर्न भरने के हकदार होंगे। मैं फिर से पढ़ता हूं, एनी पर्सन वेदर और नॉट ही हैज फर्निश्ड अ रिटर्न अंडर सबसेक्शन 1 और 4 और 5 यानी 139(1), 4, 5 फॉर एन असेसमेंट ईयर हियर इन रेफर टू एज रिलेवेंट असेसमेंट ईयर मे फर्निश एन अपडेटेड रिटर्न ऑफ हिज इनकम or income of any other person in respect of which he is assessable under this act for the previous year relevant to such assessment year in the prescribed form, verified in the prescribed manner and setting forth such other particular as may be prescribed at any time within 24 months from the end of relevant assessment year. Ek broader time limit sir yahan khench di gayi 24 months from the end of relevant assessment year, yani financial year se agar main baat karta hu कि आप फाइनेंशियल ईयर की बात करते हैं 2021 तो असेसमेंट ईयर हुआ दोस्तों 21-22,
तो फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से प्रैक्टिकली 3 साल और असेसमेंट ईयर खत्म होने से 2 साल, यानी आपने जिस वित्त वर्ष में इनकम कमाई थी उसके खत्म होने के 3 साल बाद तक भी गवर्नमेंट आपको अपडेटेड रिटर्न भरने का एक फैसिलिटी दे रही है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात हुई यहां पर कि सर 36 महीने फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर तक भी आप अपनी अपडेटेड रिटर्न भर सकते हैं। तो अगर मैं 36 महीने की बात करता हूं तो ये अपने आप में एक सब्सटेंशियल टाइम लिमिट है जिसके अंदर कोई एसएससी अपनी इनकम की पोजीशन को एनालाइज करे और देखे कि उसने अगर पहले रिटर्न भरी है तो उसमें कोई चूक हुई है तो उसे सुधार ले, और अगर पहले रिटर्न नहीं भरी और रिटर्न भरनी चाहिए थी तो वो अपनी रिटर्न आज की डेट में अपडेटेड रिटर्न के कॉन्सेप्ट से भर के अपनी टेंशन से मुक्ति पा सके। अगर मैं ब्रीफली आपसे ये बात करूं कि हु में फाइल अपडेटेड रिटर्न एनी एसएससी वेदर इंडिविजुअल और नॉन इंडिविजुअल, यानी आप इंडिविजुअल हैं, फर्म हैं, कंपनी हैं, ट्रस्ट है, आप रिटर्न भर सकते हैं। एन एसएससी वेदर ऑडिटेड और नॉन ऑडिटेड, चाहे आपने टैक्स ऑडिट करा ली तो भी आप अपडेटेड रिटर्न भर सकते हैं, आपने फॉर्म 10B ट्रस्ट के केस में भर दिया तो भी आप अपडेटेड रिटर्न भर सकते हैं। एनी एसएससी वेदर रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट सर, इवन नॉन रेजिडेंट से भी गलती हो सकती है, चाहे रिटर्न नहीं भरी या रिटर्न भरी उसमें कुछ इनकम शामिल नहीं करी जिस पर टैक्स देना था, तो एज अ नॉन रेजिडेंट भी आपको अपडेटेड रिटर्न भरने की फैसिलिटी मिलेगी। अब दोस्तों मैं अपनी बात को एक एग्जाम्पल के थ्रू आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं कि मान लीजिए असेसमेंट ईयर 2021 के लिए आईटीआर फाइलिंग की एक्सटेंडेड ड्यू डेट, एक्सटेंडेड ड्यू डेट क्यों बोल रहा हूं सर, कि कोरोना की वजह से ड्यू डेट को फर्दर बढ़ाया गया था, तो असेसमेंट ईयर 2021 के लिए मान लीजिए एक्सटेंडेड ड्यू डेट थी 31 मई 2021, यहां तक असेसी अपनी रिटर्न भर सकते थे। और इसी प्रकार से सर असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए एक्सटेंडेड ड्यू डेट थी 15 फरवरी 2022, नॉर्मल एसएससी नॉन टैक्स ऑडिट के केस में, एक बार मैं ये मान के चल रहा हूं। अब 2021 के लिए आज की डेट में अगर 3 मई 2022 को कोई व्यक्ति मेरे पास आता है और कहता है अनूप जी मैं रिटर्न भरना चाहता हूं, मेरे से कुछ इनकम बताने से रह गई, मैं उस पर टैक्स पे करना चाहता हूं ताकि मैं टेंशन मुक्त हूं, तो क्या हम रिटर्न भर सकते हैं? मेरा प्राइमा फेसाई आंसर होता नो। लेकिन सर आईटीआर यू का कॉन्सेप्ट आ गया, अपडेटेड रिटर्न का कॉन्सेप्ट आ गया, तो 2021 के लिए 2 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ 11th असेसमेंट ईयर खत्म होंगे सर 31 मार्च 2023, क्योंकि आज की डेट में 31 मार्च 2023 नहीं गई और ये व्यक्ति अब आईटीआर अपडेटेड आईटीआर भरना चाहते हैं, तो मेरा आंसर हो जाएगा यस सर। और एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है सर कि गवर्नमेंट जो नोटिफिकेशन लेकर के आई है उसमें गवर्नमेंट ने क्लेरिफाई कर दिया, क्योंकि असेसीज एट लार्ज को कंफ्यूजन था कि साहब ये ऑप्शन कौन से ईयर से मिलेगा, तो मेरी बड़ी स्पष्ट राय है सर कि आप अपडेटेड रिटर्न का बेनिफिट, इस कॉन्सेप्ट का बेनिफिट असेसमेंट ईयर 2021 असेसमेंट ईयर 21-22 दोनों के लिए भी ले सकते हैं। तो आगे तो मिलेगा ये बेनिफिट जब तक गवर्नमेंट इसे विड्रॉ ना करे, लेकिन आप असेसमेंट ईयर 2021 के लिए भी आज की डेट में अपनी आईटीआर अपडेटेड आईटीआर के रूप में भरना चाहते हैं तो आप 31 मार्च 23 तक अपडेटेड आईटीआर असेसमेंट ईयर 2021 के लिए भर सकते हैं। और इसी प्रकार दोस्तों असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए एक अपडेटेड आईटीआर मेरी ओपिनियन में 31 मार्च 2024 तक बखूबी फाइल की जा सकती है। सो होप दिस इज द क्रक्स पार्ट विच यू कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि वॉट इज द लास्ट डेट फॉर दीज 2 ईयर्स विच आई हैव ट्राई टू पुट इन एयर। अब दोस्तों आपके साथ ये चर्चा करता हूं कि अपडेटेड आईटीआर आप कब नहीं भर सकते, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है जो हमें समझ में आए। इफ अपडेटेड आईटीआर इज अ रिटर्न ऑफ लॉस, अगर आपकी रिटर्न में से मान लीजिए किसी की लॉस रिटर्न थी, तो इनकम टैक्स लॉ कहता है कि साहब आप बिजनेस लॉस या कैपिटल गेन के लॉस यदि हैं टाइमली रिटर्न भरिए तभी आपको कैरी फॉरवर्ड करने का ऑप्शन मिलेगा। अब मान लीजिए आपने रिटर्न भरी ही नहीं और आपको लगता है अरे मेरे बिजनेस में लॉसेस थे मुझे कैरी फॉरवर्ड करने हैं, तो मैं अब एक अपडेटेड आईटीआर भर दूं ताकि मेरे लॉस कैरी फॉरवर्ड हो जाए, तो गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि साहब अपडेटेड आईटीआर के थ्रू आप लॉसेस कैरी फॉरवर्ड की बात नहीं कर सकते, यानी अगर आपकी रिटर्न लॉस की रिटर्न है तो ऐसी परिस्थिति में आप अपडेटेड आईटीआर नहीं भर सकते। यदि इट हैज द इफेक्ट ऑफ डिक्रीजिंग द टोटल टैक्स लाइबिलिटी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न फर्निश्ड अंडर सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 4 और सबसेक्शन 5, यानी
सेक्शन 139 जो इनकम टैक्स एक्ट का है दोस्तों, उसके सबसेक्शन 1 में रेगुलर रिटर्न की बात की गई जो टाइमली फाइल की जाती है, सबसेक्शन 4 में बिलेट रिटर्न की बात की जाती है और सबसेक्शन 5 में रिवाइज रिटर्न की बात की जाती है। यदि आपने जो टैक्स लायबिलिटी आपकी एक रेगुलर रिटर्न, चाहे वो बिलेटेड गई, टाइमली गई या रिवाइज रिटर्न के फॉर्मेट में गई, आप कहना चाहते हैं अपडेटेड रिटर्न के थ्रू मैं अपनी टैक्स लायबिलिटी को घटाना चाहता हूं, तो भी सर आप अपडेटेड रिटर्न नहीं भर सकते। और किस परिस्थिति में आप अपडेटेड रिटर्न नहीं भर सकते? इफ अपडेटेड रिटर्न रिजल्ट्स इन रिफंड और इंक्रीजेस द रिफंड ड्यू ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न फर्निश्ड अंडर सबसेक्शन 1, 4 और 5 ऑफ सच पर्सन, ठीक है, फॉर द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। यानी अगर आप अपडेटेड रिटर्न के थ्रू रिफंड क्लेम करना चाहते हैं या अपने रिफंड को जो पहले क्लेम किया उसमें और वृद्धि करना चाहते हैं यानी इंक्रीज लेना चाहते हैं, तो आपको अपडेटेड रिटर्न का कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा। इट मीन सर कि अपडेटेड रिटर्न पर अगर कोई मुझे टेक्निकली पूछेगा कि भाटिया जी ये वन वे है या टू वे है, तो मैं कहूंगा सर ये केवल वन वे है, टू वे नहीं है। टू वे नहीं है मतलब यहाँ केवल आप डिपार्टमेंट के बेनिफिट की बात करें, डिपार्टमेंट को टैक्स जाना है। अगर आप ये कहते नहीं सर मुझे रिफंड मिले या मेरे लॉसेज और कैरी फॉरवर्ड हो, वो बात आप नहीं कर सकते, तो आपके दिमाग में एक प्रश्न होगा कि अनूप जी फिर मैं क्यों जाऊंगा अपडेटेड रिटर्न। सर भूलिए मत, अपडेटेड रिटर्न का कॉन्सेप्ट उन्हीं लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जिन्हें लगता है कि उनका टैक्स शॉर्ट पेड हुआ है, एसपी यानी शॉर्ट पेड। अगर उन्हें लगता है कि टैक्स मेरा शॉर्ट पेड हुआ है, मुझे टेंशन हो रही है, मुझे टैक्स सही अमाउंट का दे देना चाहिए था, चाहे जानबूझकर आपने शॉर्ट पे किया गलती से हुआ और वो गलती आपको पकड़ में आ गई और आपको लगता है वो गलती मुझे सुधारनी है, देन इन दैट केस यू मे अवेल दिस बेनिफिट ऑफ अपडेटेड आईटीआर। अब दोस्तों अपनी इसी बात को और थोड़ा आगे बढ़ाता हूं कि हु कांट फाइल अपडेटेड आईटीआर। पहले तो आपने मेरे साथ तीन परिस्थिति देख ली कि आप अगर लॉस क्लेम करना चाहते हैं, रिफंड लेना चाहते हैं, रिफंड को बढ़ाना चाहते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आप अपडेटेड आईटीआर नहीं भर सकते। इसके साथ साथ इनकम टैक्स लॉ में यह भी लिखा गया सेक्शन 139 सबसेक्शन 8A में कि अगर एक एसएससी का ऐसा केस है जिस पर सर्च एंड सीजर हुआ है या उसके केस में कोई सर्वे हुआ है या उसके केस में कोई सर्च में जो किसी और पर्सन पर हुई हो उसकी मनी बुलियन ज्वेलरी वैल्यूएबल आर्टिकल थिंग मिली हो या जिस व्यक्ति पर किसी प्रकार का कोई सर्च से संबंधित कोई नोटिस सेक्शन 132 या 132 में आ गया हो, तो ऐसे व्यक्तियों को भी सर जिस प्रीवियस ईयर के लिए वो 132 यानी सर्च एंड सीजर या 133A सर्वे की प्रोसीडिंग में कवरेज में ऑलरेडी आ चुके हैं, तो ऐसी परिस्थिति में उनको अब अपडेटेड रिटर्न भरने का बेनिफिट नहीं मिलेगा। कुछ और कैटेगरी सर जब आईटीआर अपडेटेड आईटीआर नहीं भरी जा सकती, यदि किसी व्यक्ति का रिलेवेंट असेसमेंट ईयर के लिए एक असेसमेंट ऑलरेडी खुल गया है और मैं दूसरी ओर बोलूं कि मान लीजिए 2 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ रिलेवेंट असेसमेंट ईयर अभी पूरे नहीं हुए, तो उसको लगा कि अरे भाई अब तो मेरा असेसमेंट खुल गया है, डिपार्टमेंट मुझे अब असेस करेगा, इट इज बेटर मैं खुद ही आगे अपडेटेड रिटर्न भर देता हूं, सर ऐसे व्यक्ति को अपडेटेड रिटर्न भरने का बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसी प्रकार दोस्तों अगर असेसिंग ऑफिसर के पास में असेसी के संदर्भ में कोई सूचना फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेटर एक्ट में, प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन एक्ट में, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में या ब्लैक मनी एंड इम्पोजिशन ऑफ टैक्स एक्ट एक्सेट्रा के अंदर ऑलरेडी पोजेशन में है, तो भी वो व्यक्ति ITRU अपडेटेड ITR नहीं भर सकते। इसी प्रकार सर कई बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बायलेटरल एग्रीमेंट विदेशी सरकार से कोई पर्टिकुलर सूचना किसी एसएससी के संदर्भ में मिले, तो भी अगर गवर्नमेंट के पास में वो सूचना पहले से है उस व्यक्ति के लिए और वो व्यक्ति ITRU भरना चाहता है, तो वो व्यक्ति ITRU नहीं भर सकते। यदि किसी व्यक्ति पर इनकम टैक्स के चैप्टर 22 में प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग इनिशिएट हुई, वो भी सज्जन अपनी ITRU नहीं भर सकते। और ऐसी कोई और कैटेगरी जो भारत सरकार यानी भारत सरकार की ओर से सीबीडीटी प्रिस्क्राइब करे, उनको अपडेटेड आईटीआर भरने पर रोक रहेगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा सर, हाउ मेनी टाइम्स एन एसएससी में फाइल अपडेटेड आईटीआर। इसका दो तरीके से आंसर दिया जाना चाहिए कि मैंने मान लीजिए एक असेसमेंट ईयर से, फॉर एन एग्जाम्पल असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए अपडेटेड रिटर्न ऑलरेडी भर दी। अब अपडेटेड रिटर्न भरने के बाद मुझे लगता है कि नहीं नहीं ये तो गड़बड़ हो गई, अभी भी मैंने पूरी इनकम नहीं बताई या मुझसे कोई चीज छुप गई, क्या मैं दोबारा अपडेटेड रिटर्न भर सकता हूं? आंसर इज नो। लेकिन मान लीजिए मैंने पहले असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए अपडेटेड रिटर्न भरी, अब मैं असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए अपडेटेड रिटर्न भरना चाहता हूं, मेरी ओपिनियन में कोई दिक्कत नहीं है सर, आप हर ईयर के लिए एक अपडेटेड रिटर्न भरने का ऑप्शन रखते हैं, तो
क्लियरली ये बोलना चाहता हूं, फॉर वन असेसमेंट ईयर अपडेटेड ITR मे बी फाइल वंस ओनली। एक असेसमेंट ईयर के लिए आप एक बार ही अपडेटेड रिटर्न का बेनिफिट उठा सकते हैं। Naturally, this is also a very important question, whether tax payment to be made upfront or it may be paid after filing of ITRU. कि मान लीजिए मैं ITRU भर देता हूँ, मेरी ITRU एक्सेप्ट हो जाए सरकार की ओर से, उन्होंने स्क्रूटनी करके बोला हाँ ठीक है आप भर सकते हैं, अब आप टैक्स पे कर दीजिए। नहीं सर, आपको टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा बिफोर फाइलिंग ITR अपडेटेड, दैट इज अपडेटेड ITR से पहले आपको टैक्स पे करना है, और रादर ITRU के साथ में आपको प्रूफ ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स भी अटैच करना पड़ेगा। तो आपको अपफ्रंट जिस दिन आप अपडेटेड रिटर्न भरने का मानस बना रहे हैं उसी समय जो टैक्स है, इंटरेस्ट है, एडिशनल टैक्स है वो दे करके फिर आपकी ITRU फाइनली एक्सेप्ट होगी। दोस्तों एक क्वेश्चन जो कि सबसे महत्वपूर्ण कहा जा सकता है कि हाउ मच इज द एडिशनल इनकम टैक्स पेबल, कि एडिशनल इनकम टैक्स कितना देना पड़ेगा। तो ये डिपेंड करेगा कि आप नॉर्मल टाइम लिमिट, चाहे बिलेट रिटर्न की टाइम लिमिट है उसको भरने के बाद, जब आप रिटर्न भरने के लिए, अपडेटेड रिटर्न भरने के लिए तैयार होते हैं, चाहे आपने पहले रिटर्न भरी या नहीं, आप कितने समय में जागृत हो जाते हैं, यानी आप कितने समय में एक्टिव हो जाते हैं अपडेटेड रिटर्न भरने के लिए, या आप महसूस करते हैं कि मुझे ITR अपडेटेड ITR यानी ITRU भरनी है। तो इसके दो गैप हैं, दो टाइम लिमिट है। इफ ITR बीइंग फाइल्ड अप टू वन ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, अगर आप अपनी ITR विद इन वन ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर भर रहे हैं, और आफ्टर एक्सपायरी ऑफ ड्यू डेट भर रहे हैं, और आफ्टर एक्सपायरी ऑफ बी लेटर रिटर्न भर रहे हैं, तो गवर्नमेंट कहती है कि ओके 25% ऑफ एग्रीगेट ऑफ टैक्स एंड इंटरेस्ट पेबल। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है सर, 25% टैक्स प्लस इंटरेस्ट का देके आपको जाना पड़ेगा। किसका सर? टैक्स प्लस इंटरेस्ट दोनों का 25%, ये आपका एडिशनल टैक्स है सर। तो वैसे तो टैक्स पर ही 25% होना चाहिए, पर भारत सरकार का मन भरा नहीं, उन्हें लगा कि नहीं सर हमें इंटरेस्ट के ऊपर भी 25% एडिशनल टैक्स लेना है। सो उल्टा होता है सर, टैक्स पर इंटरेस्ट लगता है, लेकिन गवर्नमेंट यह करिए कि नहीं इंटरेस्ट पर भी हम 25% कैलकुलेट करेंगे, उसको इनकम टैक्स मानेंगे। इसकी अपनी बहुत सारी इंटरप्रिटेशंस आने वाले टाइम में डिस्प्यूट्स देगी, लेकिन आप ये मान के चलिए, अगर आप मानस बना रहे हैं कि मान लीजिए मेरे को 1,00,000 रुपए का एक्स्ट्रा टैक्स देना था जो मैंने नहीं दिया, और इसके ऊपर मेरे को 25,000 रुपए का ब्याज देना था, ठीक है वो भी मैंने नहीं दिया। अब मैं आज की डेट में ये पर्टिकुलर टैक्स प्लस इंटरेस्ट दोनों जमा कराना चाहता हूं अपडेटेड रिटर्न से, तो इन दोनों का 25%, ठीक है, यानी 1,00,000 का 25% हुआ सर 25,000, और इस 25,000 का हुआ 6,250। तो देन इन दैट केस मुझे एक तरीके से 1,25,000 प्लस 31,250 और देते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक पहुंचना पड़ेगा, रादर पहले टैक्स देना पड़ेगा, फिर मेरी अपडेटेड रिटर्न स्वीकार्य होगी। अब मान लीजिए 1 year from the end of relevant assessment year तो निकल गया, लेकिन 2 year from the end of relevant assessment year नहीं निकला, तो गवर्नमेंट ने बोला सर अब हमें 50% पेमेंट करिए, 50% ऑफ एग्रीगेट ऑफ टैक्स एंड इंटरेस्ट पेबल। अभी एक और बात आएगी सर यहाँ पर कि क्या टैक्स में यहाँ पर एजुकेशन से सरचार्ज शामिल है? मेरा मानना है हाँ सर। तो यानी टैक्स एनहांस बाय सरचार्ज एजुकेशन से प्लस इंटरेस्ट, ये मेरी ओपिनियन है सर, इस पर वेराइड ओपिनियन हो सकती है। कुछ चीजें देखिए सर, इनकम टैक्स लॉ है, विवादित रहना संभव है। मेरा मानना है टैक्स का मतलब ही इंक्लूडिंग सरचार्ज एजुकेशन सेस है, और इस राशि पर जो आपका ब्याज भी हो गया जिस दिन आप अपडेटेड रिटर्न भरना चाहते हैं उस दिन तक का, इस टोटल राशि पर आपका 25% का टैक्स आप दे रहे थे विद इन 1 year फ्रॉम द एंड ऑफ रिलेवेंट असेसमेंट ईयर, और अगर आप 2 year फ्रॉम द एंड ऑफ रिलेवेंट असेसमेंट ईयर तक अपनी अपडेटेड रिटर्न देते हैं तो आपको 50% का टैक्स देना पड़ेगा एक्स्ट्रा। अब क्वेश्चन आएगा यहां पर एक असेसी को कि सर मैं क्यों दूं इतना पेमेंट? सर आप ध्यान रखिए, अगर आप मिस रिपोर्टिंग में आए तो आपको टैक्स अमाउंट के 200% के बराबर पेनल्टी देनी पड़ेगी अंडर सेक्शन 270। तो अगर आप उससे कंपेयर करते हैं कि आपने कोई चीज छुपा रखी है इनकम की और वो कल को डिपार्टमेंट की नॉलेज में आती है, तो आप 25% या 50% में मेरी ओपिनियन में सस्ते में छूट रहे हैं। तो ये एक फायदा आप देख सकते हैं तब जब आपको दिख गया कि मेरे से गलती हो गई, और कल ये गलती डिपार्टमेंट पकड़ लेगा तो मेरे लिए बहुत ज्यादा पेनल्टी लगेगी। तो क्यों ना मैं 25% ऑफ टैक्स प्लस इंटरेस्ट या 50% ऑफ टैक्स प्लस इंटरेस्ट दे करके अपने आप को एक तरीके से टेंशन फ्री कर सकूं। हालांकि मैंने आपके सामने उदाहरण वर्बली रखा सर, मैं इसे टेक्निकली उदाहरण से अगर आपके सामने रखना चाहूं
तो मैं इस बात को ऐसा रखूंगा कि मान लीजिए असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए एक व्यक्ति या तो जागृत होता है 30 जून 2022 को, ठीक है, यानी मैं मान लेता हूं कि असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए जो ड्यू डेट ऑफ आईटीआर है और बिलेट रिटर्न है वो खत्म हो चुकी, अब वो रिटर्न भरने का ऑप्शन नहीं, या वो सज्जन जागृत होते हैं 30 जून 2023 को, इसके भी 1 साल बाद, और उन्हें लग गया कि साहब मेरे से 2 लाख रुपए का टैक्स पेमेंट कम हुआ है, मेरे को ये टैक्स देना चाहिए था, तो अब क्या होगा सर? आप समझ गए कि 2 लाख रुपए का टैक्स, मान लीजिए इस 2 लाख रुपए के टैक्स पर कुछ इंटरेस्ट भी ड्यू है, सपोज इंटरेस्ट है 50,000 रुपए, ठीक है, तो अब एडिशनल टैक्स कितना हो जाएगा सर? 2,50,000 का एक तरीके से प्लस 25%, या बोलूं कि 125%, इतना अमाउंट इनको देना है अगर ये अपनी अपडेटेड रिटर्न यानी ITRU भरना चाहते हैं ऑन और बिफोर 31 मार्च 2023, और अगर 31 मार्च 23 निकल गई तो 30 जून 2023 को मान लीजिए अगर ये करना चाहें तो 2 लाख का टैक्स, और मान लीजिए उस दिन तक ब्याज 50,000 से बढ़कर के 80,000 हो गया, तो 2,80,000 मल्टीप्लाइड बाय 150%, तो 2,80,000 का 150%, दिस इज वॉट इज सपोज टू पे। सो आई होप यू गॉट माई पॉइंट, ओके, दिस इज आवर मिस्टर भाटिया, द अपडेटेड ITR रिलेटेड टैक्स लायबिलिटी वुड बी पेएबल बाय द असेसर। अब मेरी ये दायित्व भी बनता है कि मैं आपके सामने रिलेवेंट इनकम टैक्स का रूल या नोटिफिकेशन जो अपडेटेड ITR पे है वो रखूं। इस संदर्भ में सर स्पेसिफिकली रूल 12AC इंसर्ट हुआ है इनकम टैक्स लॉ में, इनकम टैक्स रूल्स में रादर, और 12AC ने ही ये स्पेसिफिकली असेसमेंट ईयर 21-22 और असेसमेंट ईयर 20-21 को अपने कवरेज में ले लिया है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अपडेटेड ITR। साथ ही दोस्तों CBDT की ओर से एक नोटिफिकेशन नंबर 48/2022 इशू हुआ है 29 अप्रैल 2022 को, जिसमें अपडेटेड ITR की गाइडलाइन के साथ अपडेटेड ITR का फॉर्म भी जारी किया गया, जिसे ITRU कहा गया। मैं इस ITRU पे एक अलग से वीडियो बना के आपसे आने वाले दिनों में उस पर भी चर्चा करूंगा। अंत में दोस्तों मैं ये कह सकता हूँ, रादर आपकी ये कंप्लेंट हो सकती है मुझसे कि भाटिया जी आपकी तो बहुत लंबी वीडियो बनाई, पर सर अपडेटेड ITR या ITRU का कॉन्सेप्ट अपने आप में बहुत सारे बेसिक क्वेश्चंस की क्लैरिटी चाहता था। सो इसलिए चाहे मैंने आपका समय तो ज़्यादा लिया, परंतु आई होप कि मैंने आपके बहुत सारे क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर दिया। हाँ, अपडेटेड ITR पर हमें फॉर्म का डिस्कशन जरूर करना है, जो जल्दी ही मैं एक नई वीडियो के रूप में आपके सामने लाने की कोशिश करूंगा। सो थैंक यू फॉर बीइंग विद मी, विशिंग यू ऑल द बेस्ट, जय हिंद।